आनंद हमने महसूस किया। हम भी भारतवर्षी है, इस भारत देश पे गौरव करते हैं, गर्व करते हैं। लेकिन मेरे मन में प्रश्न आता था कि ये दुनिया के 200 से ज्यादा देश, एकमात्र देश है लंका जो श्री लगाता है। आपने सार्थक किया, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। श्री की समृद्धि से आज परिचय हो रहा है, ये हमारा सौभाग्य। भगवान राम ने 17 लाख साल पहले का वो पराक्रम पुरुषार्थ और उस दौर के उस व्यवस्था के आधार पर भगवान राम का जीवन एक अलग प्रकार से जाना जाता, माना जाता है। और अतीत के इस कालक्रम में कई कई पीढ़ियां, कई हजारों लाखों साल के सफर के बाद भी ये कितना सुखद संयोग है, पूरे भारत की माथे की बिंदी हमारी हिंदी, उसका आनंद महसूस कर रहे हैं हम लंका से, श्रीलंका से। ऐसा लगता है कि भगवान राम का पराक्रम पुरुषार्थ जीवंत हुआ और थोड़ा समय घट गया था तो हिंदी की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे वाल्मीकि जी ने अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, जिसके माध्यम से आज हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा में से एक भाषा का गौरव पाती है। यह हमारा सौभाग्य है, मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और फूक से थूक तक संस्कृति मंत्री जी, आपने भी पताका अच्छी फहराई है आपको। संस्कृति मंत्री सुसंस्कृत हो जाए और संस्कृति की धारा को संस्कार के रूप में हमको एहसास करा दे, इससे अच्छा भाग्य क्या हो सकता है, ये सौभाग्य हमारा है। ऐसी कई सारी गलतियां हम करते हैं, लेकिन मैं हिंदी के इस भाषा सम्मान समारोह में उन सारे महापुरुषों को भी याद करता हूँ। माधव सप्रे जी से लगा करके रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, कौन कौन से नाम की बात करें, और इनके साथ साथ उन सारे महापुरुषों को भी याद करता हूँ जो खुद गैर हिंदी थे, जिनने आजादी में अपना बड़ा योगदान दिया। महात्मा गांधी हिंदी के सबसे प्रबल पक्षधर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये जब अच्छा समय आता, अनुकूल समय आता, तो प्रतिकूलताओं में से ऐसी कई सारी अलग अलग प्रकार की धाराएं निकलती है, अलग अलग प्रकार के आशा और उम्मीद की किरणें निकलती है जो इस अंधकारमय आकाश को जगमग कर देता। ये हमारा सौभाग्य। उस दौर में जब चारों तरफ अंग्रेजी अंग्रेज थे और अंग्रेजों से उस पूरे वातावरण को अंग्रेजियत ने जकड़ रखा था, ऐसे में ये अलग अलग प्रकार के सूर्य की प्रकाश की रश्मियां निकल करके हमको अपनी भाषा के लालित्य से, आत्मीयता से, आनंद से जोड़ रही थी। कितना कठिन दौर था जब अंग्रेजों के सामने उनकी अंग्रेजियत और अंग्रेज दोनों को नकारने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए थी। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी रह गई, ये बड़ा कठिन काल है, बड़ी कठिन दौर की बात है। आज के इस दौर में हमको केवल उनको स्मरण करें जिनने हमको आजादी की उस अलख को, उस आजादी के संघर्ष का सुख देने का प्रयास किया। तो आज के इस बदलते दौर में जब हम, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी हमको क्या क्या नुकसान कर रही है, उसका एहसास कराने के लिए हमारा पुनरावलोकन के लिए भी एक मार्ग देती है, जब हम पुराने अपने उस भाव को देखें। इसीलिए हमको याद आता है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो कितना सुंदर एक एक पंक्तियों के माध्यम से हमारे अंदर जो अपने राष्ट्रभाषा का गौरव जगाने वाले हमारे सभी कवियों ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर के सारे लोगों ने हिंदी की धारा के लिए। लेकिन मुझे और इस बात का आनंद आता है, आजादी के बाद भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का अभिनंदन करूंगा, जिनने संयुक्त राष्ट्र संघ के उस मंच पर हिंदी को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। हमारे अपने राजनेता भी उस लाइन में उस भाव को पहली बार प्रकट करने का साहस उन्होंने दुनिया के सामने दिखाया। और मुझे अब और आनंद तब आता है जब यशस्वी प्रधानमंत्री, यद्यपि उनको अंग्रेजी आती
लेकिन जब भी कोई मौका आता है और मौका किसी देश का विदेशी बैठा हो सामने या विदेश के किसी महत्वपूर्ण मंच पे हो, जहां भी होते हैं वहां हिंदी का गौरव बढ़ाते हैं। यह हमारा सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। इतना आनंद आता है जब मोदी जी बोलते हैं सबके बीच में से और हम सब इसका एहसास कराते हैं। और इसमें वाकई हम सबका, इस पूरे देशवासियों का यह गौरव और गर्व की बात भी। और अभी काल के प्रभाव में और उनके जो निर्णय, वो निर्णयों से हम और गौरवान्वित होना चाहेंगे। हमारे यहाँ भाषा का, बोली का, ये हमारे लिए काल के प्रवाह में अतीत की बातें हो गई। जब लड़ाने की बातें थी, हमारे एक राज्य से दूसरे राज्य को भाषा, बोली, लिपि के आधार पर लड़ाते थे। लेकिन माननीय मोदी जी ने 2020 में जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की और कहा कि हर भाषा, भाषाओं का गुलदस्ता है भारत, लेकिन इन भाषाओं की अगर आधार कड़ी कोई है, सेतु कोई है, तो वो हिंदी है। लेकिन उसका राजनीतिक दृष्टि से लोग उपयोग करके लड़ाने का काम करते थे। ऐसे में हमारी सिंहल प्रदेश की बहन ने आकर के हमारे अपने पुराने उस चेन्नई और जिसको नाम क्या क्या देते हैं और सबको संदेश दिया है। और आज माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सभी प्रकार की तकनीकी शिक्षा, कैसे आश्चर्य लगता, क्या क्या तर्क देते थे लोग, पता नहीं। परमात्मा उनको सबको सदगति और सदबुद्धि दे जो उस मार्ग में बाधा बनते थे। क्या कहते थे, बिना अंग्रेजी डॉक्टर कैसे बन सकता, इंजीनियर कैसे बन सकता। अरे वो ये बात छिपा जाते कि जापान वाले के यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है क्या, चाइना में कोई इंजीनियर नहीं है क्या, फ्रांस में कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं है क्या। तकनीकी रूप से छोड़ो, वैज्ञानिक भी उनके बड़े बड़े नाम लेते थे और वो आज भी जर्मनी के सभी सब भाषाओं के लोग आगे बढ़े। अगर नहीं बढ़ पाए तो केवल अपनी योग्यता से कोई नहीं बढ़ता, भाषा का तो अपना व्यक्ति के जन्म के साथ उसका लालित्य, उसके बलबूते पर उसकी अपनी दिमाग की कोशिकाएं अपनी यात्रा तय करती। ऐसे में स्वभाषा का जो स्वाभिमान होना चाहिए उसका एहसास होते थे। आज के इस दौर में सभी भाषाओं के बीच से हिंदी ने एक बड़ी अपनी कठिन लेकिन सुगमता के साथ ये जो यात्रा निकाली। मूलतः तो हिंदी शब्द भी हमारा नहीं, हिंदी तो फारसी शब्द सिंधु से बना हुआ हिंदू और हिंदू से हिंदी। अभी ये कठिनाई हो जाती है कि जब अपन ये हिंदू बोलते हैं तो हिंदू से लोग पता नहीं क्या क्या जोड़ते हैं, लेकिन हिंदू का मतलब ही है कि हमारे सिंधु नदी के इधर वाला पूरा भाग, यहाँ के निवासी, जैसे अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, रूस में रहने वाला रशियन, ऐसे अपना सिंधु नदी का इधर का भाग वाला हिंदुस्तान में रहने वाला है कि नहीं है, उसके भाव को सब, पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती, लेकिन उसी प्रकार से हिंदी के प्रति भी ये जो वर्तमान का दौर चल रहा है, एक तरह से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, मुझे इस बात का गर्व है कि मध्यप्रदेश सरकार से अब डॉक्टर, इंजीनियर, MBA सभी प्रकार के कोर्स में हिंदी में पढ़ के निकलेंगे और अपनी इस यात्रा के माध्यम से इस बात को रेखांकित करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि अंग्रेजी आपके पास आती तो आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, आप अपनी स्वभाषा से आगे बढ़ते हो। और मैं इस बात के लिए आज के संस्कृति मंत्रालय को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने ये आज अलग अलग प्रकार से और एक परंपरा भी बनाई। पुराने अभी 22, 23, 24 एकाध कोई उससे भी पुराना कोई पुरस्कार आपने दिया, तो मैं बधाई देना चाहूंगा। हर वर्ष के पुरस्कार उस वर्ष दो, वो आनंद अलग रहता। हम सब उम्मीद करेंगे संस्कृति मंत्रालय ने जो अच्छा काम किया है, मैं वो पहले बधाई दूंगा और आगे से हर वर्ष के जिस वर्ष के पुरस्कार उस वर्ष मिला करें। एक बार फिर आप सबका अभिनंदन। लेकिन ये भी एक जाते जाते मैं इस बात को जोड़ रहा था कि हिंदी का उद्गम कहाँ से हुआ। हिंदी का उद्गम हुआ अवधि से, है ना, आजकल गूगल महाराज तो वही बताते हैं। लेकिन हिंदी के लिए अपने इस देश का, मध्य प्रदेश से कोई विशेष आशीर्वाद है भगवान का। देश के उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से खड़ी भाषा के रूप में हिंदी ने अपनी यात्रा की, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश ने कितनी सुंदरता से उसको अपनाई। जैसे भगवान राम ने वनवास काल में कदम तो बढ़ाया अयोध्या से बाहर, लेकिन अपनाने वाला प्रदेश तो मध्य प्रदेश है, जहाँ चित्रकूट ने उन्होंने पूरा अपना जीवन का वो महत्वपूर्ण समय निकाला, 11 वर्ष से ज्यादा समय का। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश ने हिंदी को
उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम कोई जिला कोई हिस्सा नहीं बचा जहां हिंदी की भाषा बोलते ही जब हम यहाँ बोलते तो एहसास नहीं होता, लेकिन हमारे ही लोग या हम में से जो कोई लोग हरियाणा में बोलते पंजाब में बोलते देश के बाकी राज्यों में बात करते तो उनको लगता कि भाषा की सुंदरता इससे अच्छी कुछ हो नहीं सकती। ये जो गौरव बनाए रखा मध्य प्रदेश ने, परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे, हमारा ये विजय अभियान जारी रहे, पूरा देश हमारी तरह बोलने लगे, ये संकल्प के साथ एक बार फिर सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो गरीब हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जहां से भी गुजरेंगे रास्ता हो जाएगा। हिंदी भाषा ही ऐसी है जहां से गुजरती है अपना रास्ता बना देती है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हमारा आज का जो समारोह का प्रथम चरण कुछ ही देर में यहां विश्राम लेगा, लेकिन इसके बाद हमारे आमंत्रित कवि जैसे कि परंपरा है हिंदी दिवस पर एक अलग तरह से समृद्ध होता है हमारा ये मंच, हमारे आमंत्रित कवि का विवाद करेंगे। मैं इस अवसर पर माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला से निवेदन करता हूँ कि वे बाहर में हो रहा कार्यक्रम आप देख सकते हैं। हिंदी भाषा सम्मान अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया है जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव हिंदी दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, हिंदी दिवस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले हैं कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, हमें पूर्णकालीन करने की जरूरत है। अंग्रेजी आने के बाद भी पीएम मोदी हिंदी का गौरव बढ़ाते हैं, पीएम विदेशों में भी हिंदी के प्रभाव का एहसास करवाते हैं। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान किए, पीएम ने हिंदी को सभी भाषाओं के लिए सेतु के रूप में परिभाषित किया। अलग अलग देशों में भी स्थायी तो भाषाओं से डॉक्टर हो इंजीनियर बने हैं। राम और कृष्ण के आगे श्री लगा हम गौरव महसूस करता हूं, ये डॉक्टर सी मोहन यादव बोले हिंदी दिवस कार्यक्रम में। हिंदी दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सीएम मोहन यादव का संबोधन लाइव आप देख सकते हैं कैसे रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, हिंदी भाषा सम्मान अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान अलंकरण कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। आपको गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मध्यप्रदेश हिंदी भाषा के अलंकरण जगाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, ऐसे में हमारे अपने हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के लिए देश के अंदर भी देश के बाहर जाकर के अलग अलग हमारे अपने भाई बहन जो काम कर रहे हैं मैं उनको बधाई भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हिंदी को मान सम्मान मिल रहा है, कितना अच्छा लगता है किसी मंच से बैठ करके किसी बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष के सामने यशस्वी प्रधानमंत्री अपनी राष्ट्रभाषा में बात करते हैं। भाषा में बात करने का गौरव, उनके भाव
हमारी बात को सुस्पष्टता से पहुंचाने में भी पूरी बात भारत का एक तरह से ठीक से प्रतिनिधित्व करते हुए जो आनंद आता है वो शब्दों से बयान नहीं कर सकते। उम्मीद करेंगे भारत की ये जो यात्रा खासकर हिंदी भाषा की अपने अपने तो को लपेटे हुए पूरे विश्व में सिरमौर बने, मेरी अपनी ओर से। राहुल गांधी पर पत्रकार ने आरोप लगाया है कि सवाल पूछने पर पत्रकार का मोबाइल छीना गया, उसकी फीड डिलीट करवाई गई, इंटरव्यू डिलीट करवाया गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, राहुल गांधी जी अपनी मौजूदगी में अगर इस टाइप से हरकत करते मुझे लगता है कि उससे उनको बचना चाहिए। सर केजरीवाल जी बाहर आए, मेरे 100% प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं, आज जम्मू कश्मीर पर रैली ले रहे हैं, कई दशकों बाद आएंगे एक देश के प्रधानमंत्री। हम सबका सौभाग्य और कितना अच्छा लगता धारा 370 हटने के बाद देर रात तक चुनाव प्रचार चल रहा है, देर तक लोग सड़कों पे हैं, अन्यथा चुनाव के घोषणा होते ही लोग घर से बाहर नहीं निकलते, उम्मीदवारों को थाने में रखना पड़ता था। आज़ादी के बाद ये जम्मू कश्मीर से जो सबसे बड़ी कठिनाई कांग्रेस ने खड़ी की थी आज़ादी के बाद, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जैसे धारा 370 हटाई कि आज जैसे बाकी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन किया जिन्होंने धारा 370 लाने का घोषणा पत्र में उल्लेख किया। कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए कि धारा 370 के वालों के साथ जो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया या गठबंधन किया ये उनके लिए इस देश की मूल धारा के विरुद्ध है। कांग्रेस को कोई जनता माफ कर रहा है। सर केजरीवाल हमारे यहाँ तो हर भाषा के साथ अलग महत्व है, लेकिन हिंदी भाषा स्वभाषा के लिए तो हमारे सभी प्रकार के तकनीकी कोर्स को भी हिंदी में सर स्वच्छता अभियान को लेकर सर क्या स्वच्छता अभियान शुरू कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर।